छत्रसाल चौक स्थित छत्रसाल स्मारक में श्री राम सेवा समिति के द्वारा श्री नवमी महोत्सव 14 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियों को कैसे किया जाए इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राम नवमी महोत्सव को महामहोत्सव के रूप में परिवर्तित करने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा आयोजित की गई और अपने अपने विचार सभी वक्ताओं ने रखे। इस दौरान सहमति ली गई है कि 14 मार्च को ध्वज पूजन होगी तो वहीं ध्वज यात्रा भी निकाली जाएगी जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकलेगी, तो वहीं इस कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। शोभा यात्रा को भव्य तरीके से निकाले जाने की तैयारियों पर भी परिचर्चा आयोजित की गई। मंगल भवन मंगल हरी द्रभुसु दशरथ अजर विहारी, मंगल की घड़ी मंगल कार मंगल शुभ मंगल। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हम सभी लोग मनाने की तैयारियों में अब जुट के चुके हैं। आज चौक बाजार स्थित छत्रसाल स्मारक में नगर के सभी राम भक्तों एवं श्री राम सेवा समिति के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर कई कार्यक्रम जो निर्धारित किए गए हैं उन सभी पर चर्चा की जानी थी। सभी ने इस बैठक में अपनी अपनी राय दी और इस वर्ष और अद्वितीय इस शोभा यात्रा और राम जन्मोत्सव को मनाने के लिए सभी ने अपना अपना मत दिया और इस कार्यक्रम में भव्य रूप से शामिल होने की सहमति जताई। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आगामी 14 मार्च को ध्वज पूजन एवं ध्वज यात्रा प्रारंभ की जाएगी जो गांधी चौक बाजार से प्रारंभ होगी, बस स्टैंड और जवाहर रोड होते हुए हनुमान टोलिया मंदिर पहुँचेगी। 20 तारीख को एक भव्य आयोजन होगा जिसमें पिछली रामनवमी का लेखा जोखा और अपने अपने पूरे नगर के लोगों को बुलाया जाएगा और इसमें कितना भव्य इस रामनवमी को मनाया जाए सब में सभी से राय ली जाएगी। 24 तारीख से प्रभात फेरी प्रारंभ होगी। ऐसे कई आयोजन इस रामनवमी को भव्य बनाने के लिए किए जाएंगे और एक दिन 2 अप्रैल ऐसा आएगा जहां पूरा नगर उमड़ेगा और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में हम सभी लोग शामिल होंगे। श्री राम सेवा समिति ने आग्रह किया है कि आप सभी लोग इन सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर और पूरे मनोयोग से शामिल हों और इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं।